वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ 2023 अपडेट्स हुंडई i20 के। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे क्या हुए हैं चेंजेस हुंडई i20 में, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या क्या चीज़ डिलीट हुई हैं, सारी चीज़ें करते हैं डिस्कस। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी पर इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन और डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब हुंडई i20 आपको मिलेगी 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन, 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन IVT ऑटोमेटिक और 1 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन DCT ऑटोमेटिक में। ये पर्टिकुलर गाड़ी आपके सामने खड़ी है 2023 अपडेटेड हुंडई i20 का स्पोर्ट्स वेरियंट 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में। स्टेरी नाइट कलर की दोस्तों ये गाड़ी मैं आपको चेक करा रहा हूँ। चेक करेंगे क्या हुए हैं इसमें चेंजेस। प्रेजेंट में दोस्तों इस गाड़ी का एक्स शोरूम कॉस्ट है 8,07,00 रुपीज़, जो कि सारे चार्जेस जोड़ने के बाद ये UP में ऑन रोड पड़ ली है तकरीबन 9,44,000 रुपीज़ की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अपडेट्स की। तो 2023 हुंडई i20 में जो अपडेट हुआ है वो है इसके इंजन में। दोस्तों ये इंजन आप चेक कर रहे हैं 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन, जिसको फ्यूचर के हिसाब से जो BS6 फेज 2 आने जा रहा है उसके हिसाब से इसको रेडी कर दिया है। अब ये RDE कॉम्प्लायंट यानी रियल ड्राइविंग एमिशंस कॉम्प्लायंट हो गया है। E20 यानी एथनॉल 20% पेट्रोल इसमें पड़ सकेगा। तो ये हुआ है इसमें मेजर अपडेट्स। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम पावर एंड टॉर्क की, तो 1.2 लीटर यानी 1197 cc का ये इंजन चार सिलेंडर पे है। पावर 83 PS और टॉर्क 114.7 Nm का, यानी पावर एंड टॉर्क में तो कोई भी चेंज नहीं है। मेन जो चेंज है वो RDE कॉम्प्लायंट में इसमें किया है। बाकी अगर माइलेज की बात करते हैं तो फिलहाल अभी डिस्क्लोज नहीं है इसके माइलेज में कोई चेंज आएगा या नहीं। पहले दोस्तों इस गाड़ी का माइलेज क्लेम था 19 के अप्रॉक्स। तो चलिए ये हुआ है इसके मेजर इंजन में चेंज। इसके अलावा अगर बात करते हैं बाकी और चीज़ों की, तो दोस्तों हुंडई i20 में हुंडई की बाकी गाड़ियों की तरह कोई भी फीचर चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके इंजन में फिलहाल चेंज किया गया है। ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है तो मैं फटाफट एक क्विक वॉक अराउंड करके आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें हाईलाइटेड फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे अगर आप इस गाड़ी को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पता रहे और हुंडई i20 का सबसे ज़्यादा यही बिकने वाला वेरियंट भी है। तो चलिए फटाफट एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या इसमें फीचर्स आते हैं। तो देखिए इस गाड़ी की खूबसूरत पैरामेट्रिक ज्वेल पैटर्न पे ग्रिल देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स वेरिएंट एक नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प्स कवर करता है। नीचे की तरफ DRL लाइट्स और प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ से आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट चेक करा देता हूँ। इस वेरिएंट से स्टार्ट हो जाते हैं जो ये क्रोम की आप बेल्ट लाइन देख रहे हैं और नीचे की तरफ यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश की जो गार्निश वगैरह है वो आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट से ही मिलती है। इसके अलावा व्हील्स यहाँ पे आपको R16 इंच के स्टाइल्ड व्हील्स मिलेंगे, यानी ये व्हील कैप्स हैं बट दिखेंगे एलॉय व्हील की तरह। बाकी इंडिकेटर्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मिरर्स पे आ गए हैं। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा हम बैक साइड से और बैक से आपको स्पोर्ट्स का एक ओवरव्यू दे देते हैं। तो देखिए खूबसूरत आपको जेड शेप की ये मिल जाती हैं LED टेल लैम्प और यहाँ पे भी देखिए जो एक क्रोम आप चेक कर रहे हैं कनेक्टिंग क्रोम, ये स्पोर्ट्स वेरिएंट से ही मिलता है। इसके बाद नीचे की तरफ भी इधर देखिए पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। बाकी ये वेरिएंट दोस्तों डिफॉगर्स कवर करता है, शॉक पिन एंटीना मिल जाता है। इसके बाद सेंसर्स और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको इस वेरिएंट पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमने एक्सटीरियर प्रोफाइल आपको क्विकली चेक करा दिया है। चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स की तरफ, दिखाते हैं क्या क्या हाईलाइटेड फीचर्स हैं। तो ये देखिए ऑल ब्लैक इंटीरियर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो ये लाइंस दे रखी हैं ये डेफिनेटली इस गाड़ी को और ज़्यादा खूबसूरत अंदर से बनाती हैं। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की आपको इसमें मिलेगी, जो कि देखिए लॉक अनलॉक बूट ओपनर और ये फ्लिप की है। इसके अलावा सेकेंड की मैनुअल आती है इसमें। तो जरा इग्निशन को वापस से ऑन कर देते हैं, ड्राइविंग सीट चेक करा दूं, जो कि ये हाइट एडजस्टेबल मिलेगी। ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फैब्रिक मटेरियल का यूज़ किया गया है। ये दोस्तों मैं आपको चेक करा रहा हूँ कापा पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। इसमें दोस्तों अगर आप DCT या टर्बो इंजन पे लेते हैं तो वहाँ पे थोड़े से फीचर्स अलग होते हैं। तो फिलहाल ये उनके लिए वीडियो है जो इस वेरिएंट को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी आउटसाइड मिरर्स यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फोल्डिंग है, इवन इसके की से भी ऑपरेटेड है। ऑटोमेटिक ओवरवियम दिए हैं, तो जब गाड़ी को लॉक करेंगे तो देखिए ये लॉक हो गए और अनलॉक के टाइम पे ये ओपन हो जाएंगे। तो ये भी अगेन दोस्तों इस गाड़ी के स्पोर्ट्स वेरिएंट से ही स्टार्ट होता है। चलिए अब यहाँ पे आगे बैठेंगे थोड़ी देर में, पहले जरा आपको इसका बूट चेक कराएं, फिर आते हैं बैक सीटिंग पे और फिर चलेंगे आगे की तरफ। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का बूट स्पेस आपके सामने, अच्छा खासा यहाँ पे आप बूट स्पेस चेक कर सकते हैं, अच्छी खासी इसमें डेप्थ दी हुई है। इस साइड पे जो स्पेयर व्हील है ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा बाकी व्हील से, क्योंकि यहाँ पे साइज़ जो है वो बाकी व्हील्स के मुकाबले 1 इंच छोटा है और ये फुल स्टील पे दिया हुआ है, यहाँ पे स्टील कट्स नहीं है। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी की बैक सीटिंग आपको चेक कराते हैं
और फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए बैक डोर और बैक सीटें ये देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। सेंटर पे आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ है, वो सिर्फ इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट एस्ट्रा ओ में मिलता है। बाकी यहाँ पे देखिए रियर एसी वेंट और इस साइड पे यूएसबी चार्जिंग पॉइंट, ये यूएसबी टाइप ए उस पर दिया हुआ। देखिए यहाँ पे टाइप सी पोर्ट्स अभी इसमें अपडेट्स होके नहीं आए हैं। बाकी ऊपर साइड देख लीजिए, यहाँ पे ग्रिप सेंटर पे इस गाड़ी की रूम लाइट। तो बैक सीटिंग्स पे क्या क्या मिलता है हमने देख लिया, अब बैठते जरा ड्राइविंग सीट में और दिखाते हैं i20 स्पोर्ट्स 2023 को। एक झलक आप इस गाड़ी को चेक कर लीजिए, ये देखिए ये है इस गाड़ी का अंदर साइड पर देख लीजिए, यहाँ पे कुछ कप होल्डर्स मिल जाएंगे। आगे की तरफ एक आर्मरेस्ट दिया हुआ है जो कि ये फिक्स है, इसको आप आगे पीछे मूव नहीं करा पाएंगे। ओपन करिए अंदर तरफ एक बॉक्स मिल जाएगा। इसके अलावा स्टीयरिंग पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स हैं, और राइट साइड पे जब देखिए तो यहाँ पे ये तीन बटन इंस्ट्रूमेंट पैनल के हैं। और रीसेंट अभी कुछ टाइम पहले 2022 के लास्ट में अपडेट्स आया था जिसमें जो है इस वेरियंट में क्रूज़ कंट्रोल को बढ़ा दिया था, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के बटन भी मिल जाते हैं। सेफ्टी वाइज यहाँ पे डुअल एयरबैग्स अभी भी हैं, कोई भी सेफ्टी फीचर्स को लेकर 2023 पे अपडेट्स नहीं आए हैं i20 पे। यहाँ पे देखिए एक फ्रंटल स्टीयरिंग पे एयरबैग और दूसरा फ्रंट पैसेंजर के सामने एयरबैग दिया हुआ है, साथ में ABS EBD और भी जो रेगुलर सेफ्टी फीचर्स चले आ रहे थे वही दोस्तों ये वेरियंट भी कवर करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स स्पोर्ट्स वेरिएंट पे नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि हुंडई की नियोस या ऑरा पे अपडेट्स आ चुके हैं, वैसे अपडेट्स अभी दोस्तों इस गाड़ी पे नहीं आए हैं। यहाँ पे देख लीजिए मीटर आपको इसमें फुल डिजिटल मिलता है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, कई सारी चीज़ें आप इसमें मीटर पे चेक कर सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप इसमें दिया हुआ है, जो कि जब ये गाड़ी फेसलिफ्ट होके आई थी, चेंज होके आई थी, उसी वक्त ये फीचर इसमें आ गया था। तो सारे व्हील्स का प्रेशर इसमें आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी सेटिंग पार्ट्स हैं जो कि यहाँ से आप इसमें कस्टमाइज़ कर पाएंगे। म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, 4 स्पीकर्स मिलेंगे हर डोर पर फ्रंट के, इस साइड पर ट्यूटर्स मिल जाएंगे। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोस्तों इसमें वाईफाई सिस्टम के साथ है, तो वायरलेसली आप एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इनबिल्ट नेविगेशन इसमें नहीं दे रखा है, वीडियो प्लेबैक इसमें नहीं आता है। एसी भी दोस्तों अभी जो 2022 के लास्ट अपडेट्स में इसमें पहले मैनुअल एसी था और उसके बाद से इसमें जो है अब आपको ऑटोमेटिक एसी मिलने लगा है, तो ये सारी चीज़ें तो पहले ही चेंज हो चुकी थी। फर्दर यहाँ पर चेक कर लीजिए, 12 वोल्ट का सेंटर पर पावर आउट मिल जाएगा और इस साइड पे पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर, आगे की तरफ यहाँ पे सनग्लास होल्डर इसमें चेक कर सकते हैं, मैप लाइट्स दी हुई हैं और सन वाइजर्स के बैक साइड पे वैनिटी मिरर, ड्राइविंग साइड पे टिकट होल्डर मिलेगा। बाकी इसका बॉक्स भी जो है वो कूलिंग फीचर के साथ है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर नॉब दे रखा है, तो अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो ये कंपार्टमेंट ठंडा होने लगेगा, कुछ भी सामान रखेंगे वो ठंडा बना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको फीचर्स बता दिए हैं क्विकली, जो कि सब ऑलरेडी पहले ही आते थे, इसमें कोई भी अपडेशंस नहीं है फीचर्स को लेकर। सिर्फ जो अपडेशन हुआ है वो है इसके इंजन पे, RDE कॉम्प्लेंट इसका इंजन कर दिया है। इसके अलावा यहाँ जैसे हम रिवर्स गियर लगाएंगे ट्रांसमिशन पे, तो ये देखिए इसमें आ जाएगा रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले और ये गाइडलाइंस स्टीयरिंग एडेप्टिव हैं, स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये गाइडलाइंस भी मूव हो रही हैं। तो ये हैं दोस्तों इस गाड़ी के सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं, अपडेट जो इंजन में हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, ट्रांसमिशन IMT इसमें डिसकंटिन्यू कर दिया है, डीजल इंजन इसमें डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो इसके इंजन में अपडेट हुआ है, बाकी सब कुछ फीचर्स एज इट इज़ 2023 हुंडई i20 पे आ रहे हैं। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, मैं रेगुलर बेसिस पे जो भी अपडेट्स हो रहे हैं उसके वीडियोज़ आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आपको दोस्तों हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।